इसी एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पे किया था क्लास 9 मैथ्स का, और दूसरा और तीसरा इसी तरीके से पहले की तरह। अब चौथा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 2x+3 upon x+1+6 x+1 upon 2x+3 = 7। इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, नीचे सवाल लिख देंगे 2x+3 upon x+1 plus 6 x+1 upon 2x+3 = 7। या अगर हम पहले की तरह सपोज करेंगे, लेट ये जो पहली वैल्यू है हम इसको y के बराबर करते हैं, लेट y = 2x+3 upon x+1। जब ये y इसके बराबर है तो therefore 1 upon y किसके बराबर हो जाएगा, x+1 upon 2x+3। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसकी जगह पे, ये सपोज जो किया है वो, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास y+6 upon y = 7। इसकी जगह पे y रखा, 6 आयर ऊपर आ जाए जाएगा, 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 6, और इसकी जगह पे हमने लिखे y = 7। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, y हो जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है वो 6 अपनी जगह पे = 7। अब ये y यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y² + 6 = 7y। अब 7y को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y² - 7y + 6 = 0। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, उसके लिए हम करेंगे सपोज करेंगे हियर a = 1 b = -7 and c = 6। देयरफॉर y = -b + -b² - 4ac, ये रूट के अंदर और नीचे क्या हो जाएगा 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगा दिया। अब इसको हम मजीद सिंपलीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, y = -b की वैल्यू कितनी हमने ली, -7 b² - 7² - 4a = 1 and c = 6। ये वैल्यूज पुट कर ली किसके अंदर, रूट के अंदर, और नीचे हमारे पास है 2 और a 1 है, 1 बराबर। और सिंपलीफाई करेंगे इसको, y = -7 + 7 - 7 = 49 - 4 = 24। ये आ गया रूट के अंदर, नीचे क्या हो जाएगा 2 × 2। y = 7 + -49 - 24 कितना बचेगा, बाकी 25 बचेगा, ये रूट के नीचे और 2 वही हमने वहां रखा। और मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + -25 का रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे होगी 2 हमने रखा। अब हमने इसको प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग हल करना है, तो y = 7 + 5/2 and y = 7 - 5/2। इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, y = 7 + 5 = 12/2 y = 2 × 2 = 12, तो y की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास। यहां पे y = 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 2/2 हो जाएगा, = 2 × 2 = 2, तो y = कितना हो जाएगा 1। बट हमने y किसके बराबर लिया है, 2x + 3 upon x के, तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे y = 2x + 3 upon x + 1 = ये किसके बराबर आ गया, 6 के, और इधर भी हमने y लिखा है 2x + 3 upon x + 1 = 1 के बराबर। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x + 3 upon x + 1 = 6। 2x + 3 अपनी जगह पे, ये x + 1 यहां डिवाइडर है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 के साथ x + 1 मल्टीप्लाई हो गया। मजीद सिंपलीफाई करेंगे इसको,
2x plus 3 is equal to 6 multiply x 6x plus 6 बंदा 6 x वाले इधर ले जाएंगे, खाली नंबर हम वहां ले जाएंगे, तो ये 2x और प्लस का 6x इधर आकर माइनस का 6x हो जाएगा, इधर 6 अपनी जगह पे, ये प्लस का 3 वहां जाकर माइनस का 3 हो गया, तो अब कितना बचेगा माइनस का 4x और इधर बचेगा 3। अब आगे माइनस 4 यहां मल्टीप्लाई है, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 4। इसको भी इसी तरीके से हम सिंपलीफाई करेंगे, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x अपनी जगह पे प्लस 3 और ये x प्लस 1 यहां डिवाइड आ रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही x प्लस 1 ही आएगा। अब खाली x वाली वैल्यू इधर ले जाएंगे, खाली नंबर वहां ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x, इधर आ जाएगा माइनस का x, 1 अपनी जगह पे ये प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, और आगे इधर बचेगा माइनस का 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, माइनस 3 अपॉन 4 एंड माइनस 2। पांचवा सवाल भी इसी तरीके से,